255 दिन बाद भी उत्तर प्रदेश की पसंद योगी आदित्यनाथ ही हैं, यूपी की जनता ने आज ये बता दिया। उत्तर प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा हो गया। निगम चुनाव के सभी नतीजों में बीजेपी को काफी फायदा हुआ। 3 चरणों में चुनाव हुए थे, आज नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच मुकाबला था। योगी ने अकेले 70 सभाएं की, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी इस बार काफी मजबूत स्थिति में है। अमेठी में कांग्रेस बुरी तरह हार गई है। अमेठी की नगर पंचायत सीट पर बीजेपी की चंद्रमा देवी जीत गई। जायस सीट पर बीजेपी को जीत मिली, वहीं गौरीगंज से समाजवादी पार्टी जीती। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव जीतने के लिए सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया और अमेठी में भी उनका बिल्कुल सफाया हो गया है। कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है, वही कांग्रेस गुजरात में जीत के जो सपने देख रही है वो सपने बहुत ही जल्द चकनाचूर होंगे। यूपी में इस बार 4 नए नगर निगम बनाए गए और चारों फैसले बीजेपी को खुश करने वाले। यूपी में 4 नए नगर निगमों में भी बीजेपी की जीत हुई। सहारनपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, अयोध्या में भी बीजेपी जीती। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। इसे योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद यह पहला चुनाव था। पिछली बार यूपी में 12 नगर निगम थे, इस बार 16 हो गए। अयोध्या से ऋषिकेश उपाध्याय, सहारनपुर से संजीव वालिया, मथुरा से मुकेश आर्य और फिरोजाबाद से नूतन राठौर जीती है। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया है उसका परिणाम नगर निकाय चुनाव के सामने आया है। जो हमारे संकल्प हैं सरकार के, उनको मजबूती से लागू कर रहे हैं और इसीलिए जनता ने जो विश्वास हम पे दिखाया उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं। वोटों की गिनती के दौरान आज यूपी के 3 शहरों में प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में आज हिंसा हो गई। हिंसा की घटनाएं मुजफ्फरनगर, आगरा और अयोध्या में हुई। तीनों हंगामा निकाय चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान हुआ। आगरा में 2 प्रत्याशी भिड़ गए और अयोध्या में काउंटिंग को रोकना पड़ गया। वोटों की गिनती के दौरान धांधली का आरोप लगा, उम्मीदवारों ने हंगामा कर दिया। मुजफ्फरनगर में लाठीचार्ज हुआ, आगरा में 2 दलों के कार्यकर्ता भिड़ गए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में काउंटिंग सेंटर पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसे हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आगरा में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, जबकि अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन बिंदु खिन्नर ने काउंटिंग में धांधली का आरोप लगाया। तो यूपी में निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन एक फैसले ने जीत के जश्न को फीका कर दिया। चुनाव में जीत के बाद जुलूस पर बैन लगा, यह आदेश उत्तर प्रदेश पर लागू होगा। फैसला कल शाम लिया गया, सभी डीएम को निर्देश मिला। आदेश चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया। फैसला राज्य में निकाय चुनाव की वजह से लिया गया। तर्क यह है कि इससे यूपी में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। यूपी के सभी डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि फैसले को सख्ती से लागू किया जाए। चिट्ठी में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश है। जुलूस पे पूरी तरह से पाबंदी है। माननीय निर्वाचन आयोग के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी प्रत्याशी जुलूस नहीं होता। गुजरात चुनाव से पहले राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि पीएम मोदी के धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के धर्म को लेकर कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने धर्म को लेकर पीएम पर हमला किया। सिब्बल के बयान के बाद विवाद बढ़ गया है, बीजेपी ने पलटवार किया। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के नेताओं के धर्म को लेकर सवाल उठाने लग गए हैं। राहुल के धर्म पर सवाल उठे तो उसे काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने पीएम पर हमला किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि नरेंद्र मोदी असली हिंदू नहीं है। आप तो हिंदू धर्म को छोड़ चुके, आपने तो हिंदुत्व को अपनाया, जिसका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है।
आप तो असली हिंदू है ही नहीं। कपिल सिब्बल जो है उसने जीवन भर में कमाई की है झूठ बोलते, और जब वो सार्वजनिक जीवन में आता है तो हास्यास्पद हो जाता है। इससे पहले राहुल गांधी ने धर्म पर उठे विवाद पर सफाई दी, परिवार को शिव भक्त बताया। मेरी फैमिली शिव भक्त, जो हमारा धर्म है वो हमारी चीज है और वो हमारे अंदर है और हमें किसी को मतलब सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी आजकल विकास के मुद्दे पर खूब सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या इन सवालों से सत्ता की संजीवनी मिलेगी? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। ट्वीट कर राहुल ने गुजरात के विकास के मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल ऑफिस ऑफ आरजी ने सुबह 7:23 पर पीएम से सवाल किया। राहुल ने गुजरात में निजी कंपनी से जानबूझकर महंगी बिजली खरीदने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पिछले 3 दिन से पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं। राहुल ने पूछा कि गुजरात में 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिल रही बिजली को 24 रुपए प्रति यूनिट की दर से क्यों खरीदा गया? बीजेपी ने राहुल के ट्वीट पर पलटवार किया। जरूरी है क्या कि हर राहुल गांधी की बेवकूफी का जवाब दिया जाए? गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिली। 15 महीने से लगातार गिर रही देश की विकास दर अब बढ़ी है। कल दिल्ली में जीडीपी से जुड़े आंकड़े जारी किए गए। इस साल जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी की दर बढ़ी है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने कल जीडीपी के आंकड़े बताए। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बढ़त जीडीपी बढ़ने की अहम वजह है। इस साल अप्रैल से जून के बीच जीडीपी 5.7% थी, जो अब बढ़कर 6.3% हो गई है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद देश के आर्थिक हालात को नापने का पैमाना होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीडीपी का असर पीछे छूटा है, अब बढ़त ही होगी। डीमोनेटाइजेशन एंड द जीएसटी इज नाउ बिहाइंड अस एंड होपफुली इन द कमिंग क्वार्टर्स वी कैन लुक फॉर एन अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी। तो ये बीजेपी जीडीपी है, ये कब घटता है कब बढ़ता है, लेकिन ये आंकड़ों से कुछ नहीं होगा। देखिए, जब फार्मूले बदल दिया तो इनकी जीडीपी चाहे जितनी बढ़ा ले, सरकार जो कह रही है सरकार कहती वही ठीक है, अर्थशास्त्री सब समझदार नहीं है। जीडीपी का एक क्वार्टर का नंबर देंगे तो मैं कहूँगा जो बाकी इसको जोड़ जोड़ के जो बना है वो सारा पूरा गणित के लिए नहीं मिलने तक मैं नहीं कहूँगा कुछ। बड़े अस्पतालों में महंगे इलाज की गारंटी तो है, लेकिन सही इलाज की गारंटी कब मिलेगी ये पता नहीं। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल पर जिंदा बच्चे को मुर्दा बताने का आरोप लगा है। शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल ने इतनी बड़ी गलती की। कल अस्पताल में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। 20 साल की महिला ने एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया। पैदा होते ही लड़की की मौत हो गई। 1 घंटे के इलाज के बाद लड़के को भी मृत बता दिया। अस्पताल ने परिवार को पार्सल में बच्चों का शव दिया। रास्ते में पार्सल में हलचल हुई तो पता चला कि लड़का जिंदा है। बच्चा अस्पताल में भर्ती है, परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। अस्पताल ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों बच्चे सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि आपके बच्चे डैड हो गए, आप ले जाओ। तो चौक पड़ा तो एक पैकेट के अंदर कुछ एक्टिविटी से हलचल सी हुई तो हमें शकवा में गए, शायद कुछ क्या गड़बड़े में तो बच्चा हिंसा रहा है। बहुत ही वियर्ड शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है, हाइट ऑफ नेगलिजेंस। सो इमीडिएटली हम लोगों ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस पर शुरू कर दिया है। केरल और तमिलनाडु में कुदरती आपदा से लोग बेहाल हैं, राहत का काम काफी नहीं। चक्रवाती तूफान से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु और केरल में तूफान का ज्यादा असर दिखा। कल सुबह से तेज बारिश और तूफान जारी है, आज रात तक के लिए चेतावनी है। ओखी तूफान से अरब सागर के दक्षिणी हिस्से प्रभावित है, श्रीलंका को भी काफी नुकसान हुआ। ये तूफान श्रीलंका से लक्षद्वीप की ओर बढ़ रहा है। तूफान के साथ हो रही तेज बारिश से लोगों को काफी परेशानी हुई। तूफान से तमिलनाडु और केरल के 45 मछुआरे लापता हैं। चेन्नई, मदुरई, कन्याकुमारी में स्कूलों को बंद किया गया। कोची में नेवी की 5 टीमें तैनात हैं। लक्षद्वीप पर राहत के लिए 2 जहाजों को तैनात किया गया है। नॉर्मली 20-30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आगे आने वाले अगले 24 घंटे में और इंटेंसिफाई होगा।
रक्षा मंत्री ने आज शहीदों के परिवार की मदद की अपील की। आपका छोटा सा योगदान बड़ी मदद बन सकता है। पहली बार आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग वीक मनाया जा रहा है। देश भर में सुरक्षा बलों के सम्मान में कार्यक्रम होंगे। 1 दिसंबर यानी आज से 7 दिसंबर तक आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग वीक मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग बैच पहनने और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे वेलफेयर फंड में योगदान करने की अपील की है। इस फंड से शहीद सैनिकों के परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी। आप ksb.gov.in पर लॉगिन कर शहीद सैनिकों के परिवार की आर्थिक मदद कर सकते हैं। And donate what little amount we can. आप इन्हें अपना धन्यवाद पहुंचा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के जरिए, जहां से सारी जमा की हुई राशि शहीदों के परिवार, उनके बच्चे और घायल जवानों के मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। The Armed Forces Flag Fund एक ऐसा वेलफेयर फंड है जो हमारे डिजेबल्ड सोल्जर्स और शहीद सोल्जर्स के फैमिली के वेलफेयर में काम आता है। सो प्लीज गो एंड कॉन्ट्रीब्यूट विद अ बिग हार्ट। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बेटे के बाद अब रिश्तेदार भी फंस रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के रिश्तेदार के ठिकानों पर छापेमारी हुई। चेन्नई और कोलकाता में रेड डाली गई। छापेमारी की कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई। चेन्नई में पी चिदम्बरम के बहनोई और कार्ति चिदम्बरम के मामा एस कैलाशम के घर और दफ्तर पर छापे मारे गए। एयरसेल मैक्सिस डील को बिना कैबिनेट कमेटी के ही FIPB क्लियरेंस देने के मामले में यह कार्रवाई हुई। ईडी ने चेन्नई में 4 और कोलकाता में 2 जगह छापे डाले। ईडी ने कुल 4 लोगों के ठिकानों का सर्च किया। चेन्नई में रामजी नटराजन, सुजाय संबामूर्ति और कोलकाता में मनोज मोहनका के ठिकानों पर रेड डाली गई। कांग्रेस के दफ्तर में नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। मुंबई में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में स्थित दफ्तर पर हमला हुआ। सुबह 10 बजे के करीब कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस का आरोप है कि राज ठाकरे की MNS पार्टी ने हमला किया है। हालांकि अभी तक तोड़फोड़ की वजह साफ नहीं है। कांग्रेस इसे राजनीतिक रंजिश बता रही है। 5 से 6 लोग कांग्रेस दफ्तर में घुसे, शीशे और सामान तोड़ डाला। घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने MNS के पोस्टर जलाए। पुलिस ने कुछ MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान के शहर में आज अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। पेशावर के कृषि निदेशालय में गोलीबारी हुई। आज सुबह 8:15 बजे आतंकियों ने गोलियां चलाई और इमारत में घुस गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ली।